हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सुसौंधी एकेडमी। देखिए, हमने औसत में जो आपका एवरेज है उसमें दो पार्ट देख लिए हैं, पार्ट एक और पार्ट टू। उसमें हमने विभिन्न टाइप के क्वेश्चन देखे जो UPSSC एग्जाम में पूछे गए, उन क्वेश्चनों को भी सम्मिलित किया, और विभिन्न परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को भी सम्मिलित किया था हमने। ये आपका एवरेज का यानी औसत का पार्ट थ्री है। ये औसत का हम कौन सा देखेंगे? पार्ट थ्री देखेंगे। ये आपका अंतिम पार्ट होगा। इसमें हम जो भी क्वेश्चन बचे हैं उन सभी क्वेश्चनों के टाइप को देख लेंगे, और जो आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं खास करके UPSSC में, उन क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पर फिनिश कर लेंगे। ये आपका अंतिम पार्ट है। ये आपका UPSSC PET के साथ साथ जितने भी अदर एग्जाम हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एवरेज का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा हो तो उन दोनों पार्टों को भी आप देख लीजिए। चलिए तो देखते हैं फिर। देखिए, इसमें जो टाइप बनता है अगला वो इस प्रकार का बनता है क्वेश्चन। जैसे 40 संख्याओं का औसत 60 था, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 63 के स्थान पर गलती से कितनी लिख दी गई? 36 रख दी गई है। वो यदि संख्या सही रखा जाता, यानी संख्या सही रखी जाती, रखा जाता है संख्या सही रखी जाती, तो सही औसत क्या होता? कहने का मतलब यह था आपका कि 40 संख्याएं थी, उनका औसत कितना था? 60 था, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 63 थी, 63 के स्थान पर गलती से कितनी रख दी गई? 36 रख दी गई। यदि अगर वो संख्या सही रखी जाती तो सही औसत क्या होता है, ये हमें बताना है। ऐसे करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगर आपको याद है फॉर्मूले में रख दो हो जाएगा। एक दूसरा तरीका भी होता है, शॉर्ट तरीका। तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखिए। इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इस फॉर्मूले में रखकर भी आंसर निकाल सकते हैं। जो सही एवरेज निकल के आएगा, जो आपका पूछा है सही औसत, वो क्या हुआ? कुल संख्या, उनका योग कर लो, योग वही औसत बराबर क्या होता है आपका? योगफल बटे संख्या। तो औसत इनटू संख्या का गुणा करें, योग निकल आएगा। सही संख्या यहाँ लेंगे, उसमें से गलत संख्या को घटा दें, और अपॉन में टोटल कितनी संख्या है वो संख्या लिख लें। संख्या हो सकती है या वस्तुएं हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो उसी से रख लेते हैं। चलिए पहले फॉर्मूले से करके देखते हैं। कुल संख्याओं का योग निकालें। तो योग कैसे निकालते हैं, हमने पहले दूसरे पार्ट में समझ लिया। योग बराबर होता है आपका औसत इंटू संख्या। तो औसत कितना था? 60 इंटू संख्या कितनी थी? 40। ये तो निकल आया कुल संख्याओं का योग। प्लस सही संख्या कितनी है? सही संख्या देखें, एक संख्या 63 के स्थान पर गलती से 36 रख दिया गया था, यानी कि संख्या सही कितनी थी? 63, और गलती से रख कितनी गई? 36, यानी ये गलत है हमारी, इसे घटा दीजिए। अपॉन में कुल संख्या कितनी है उसे रख दीजिए। तो टोटल संख्या कितनी थी हमारे पास? 40 संख्याएं थी। अच्छा, इसका गुणा करें, 60 का 40 से गुणा करें, कितना हो जाएगा ये आपका? 2400। और इसमें 63 जोड़ेंगे तो ये भी जोड़ लीजिए, ये कितने हो जाएंगे? 2400, और ये हो जाएंगे 2463। और इसमें से 36 घटाना है, और डिवाइड में कितना है आपका? 40 है। 2463 में से 36 घटा दीजिए तो ये कितना आएगा आपका? देखिए, 13 में से 6 जाएंगे 7, और 5 में से 3 जाएंगे 2, यानी 2427 आपके यहाँ पर बचेंगे। और इसमें भाग कितने का देना है आपको? 40 का भाग देना है। ये समझो, आप 40 का भाग दोगे तो ये आपका निकल के आएगा। देखिए, ये वाला ऑप्शन आता है 60.6 लिख दीजिए, या फिर इस डिजिट को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे भाग देंगे तो 60.675 के समथिंग ये आपका निकल के आता है। यानी कि हमने इसमें से सही एवरेज आपका निकाला तो कितना निकल गया है आपका? 60.675। यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी है। जब 40 का भाग दोगे तो ये आएगा, आप एक डेढ़ तक भी छोड़ सकते हो। ये तो हमने किस तरीके से क्वेश्चन को किया? ये किया हमने फॉर्मूले के ऊपर। अब इसे हम दूसरे तरीके से भी देखते हैं, और कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं फॉर्मूला लगे। देखिए, पहले संख्या कितनी थी? संख्या 63 के स्थान पर कितना लिख दिया गया? 36। संख्या 63 थी सही, सही संख्या कितनी थी? 63। लिख कितना दिया गया? 36। तो इसमें अंतर कितना आया आपका? तो 13 में से 6 जाएंगे आपके 7, और 5 में 30 जाएंगे 2, यानी 27 का अंतर आया। यानी कहने का मतलब है 63 सही थी, गलत लिख दिया 36। तो कितने की कमी आई संख्या में? कमी आ रही है ना, वृद्धि नहीं हो रही है। अगर 36 की 63 लगाया तो संख्या वृद्धि होती है, संख्या में कमी कितने की आई आपकी? 27 की कमी आई। तो एवरेज में कितने की कमी आई होगी? औसत में कमी निकाल लो, औसत में कमी कितने की आई होगी? 27 की कमी आ रही है। टोटल संख्या कितनी? औसत में कैसे कमी कैसे निकालोगे? इतने की कमी है कितनी संख्या में? 40 संख्या थी हमारे पास। तो 27 में कितने भाग दे देंगे? 40। 40 का जब 27 में भाग दोगे तो ये आएगा आपका 0.675। भाग देखे देख लेना। चलिए, तो औसत में कमी कितनी हुई आपकी? 0.675 के। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर 63 के स्थान पर 36 रखा है तो औसत में ये कमी तो हो रही है। तो औसत में कमी हो रही, पहले औसत था कितना? 60 था, अब औसत में कमी हो गई तो आपका एवरेज कितना आएगा? यानी 63 के स्थान पर 36 रख दिया गया तो इतने की कमी हो गई। तो सही एवरेज क्या होगा? ज़्यादा ही तो होगा 60 से, तभी तो आएगा आपका सही।
36 से निकाला गया, जब होना कितना चाहिए था 63, तो 63 रखोगे तो संख्या बढ़ी है तो एवरेज भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो सही औसत कितना होगा फिर, सही औसत तो 60 तो था ही पहले का, इतने की कमी हो गई क्योंकि 63 के स्थान पर 36 कम रख दिया हमने, तो ये जुड़ जाएगा एवरेज। तो सही एवरेज कितना आ जाएगा आपका, 60.675, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, अगर बाय दी वे वहाँ पे ये बोलता कि पता चला एक संख्या 36 की जगह 63 रख दी गई, यहाँ पे होता 36 और यहाँ कितना होता 63, तो 36 की जगह हम 63 रखते तो फिर कितने की वृद्धि या कमी नहीं होती, फिर कितने की 27 की क्या हो जाती संख्या में, दोनों तरफ से क्वेश्चन हो सकता है, दोनों को बता दिया जा रहा, संख्या में वृद्धि कितने की हो जाती आपकी 27 की वृद्धि हो जाती, तो फिर औसत में कमी नहीं होती, वो फिर क्या होती औसत में वो वृद्धि होती, और औसत में वृद्धि कितने की हो जाती आपकी 27/40, यानी कितने की वृद्धि होती 0.6575 की। फिर सही औसत क्या होता आपका, सही औसत यहीं से सही औसत निकाल लेते हैं, फिर क्या करते 0.6575 की वृद्धि तो हो रही है उसमें, क्योंकि 36 की जगह हमने कितना लिख दिया 63, संख्या ज़्यादा लिख दी है तो एवरेज ज़्यादा बढ़ गया है, तो फिर सही औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इस वाले 0.675 को 60 में से घटा देते। टाइप का है ये, टाइप किसका है आपका, औसत उम्र से संबंधित होता है ये किससे संबंधित होता है आपका क्वेश्चन, औसत उम्र से संबंधित होता है क्वेश्चन, ऐसे बोलता है आपका ए बी व सी की औसत उम्र कितनी है 25 वर्ष है, कोई तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, उनकी औसत उम्र कितनी दे दी है 25 वर्ष दे दी है, यदि इनके अनुपात कितने 4:5:6 हों, तो हमें उम्र किसकी बतानी है, बी की उम्र बतानी है, हो सकता है ए की पूछ ले कि ए की उम्र बताओ, हो सकता है सी की उम्र पूछ ले सी की उम्र बताओ, तो तीनों की निकाल देंगे अभी यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के औसत उम्र वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, पहले ये वाले क्वेश्चन देखिए, ए बी सी की औसत उम्र कितनी है 25 वर्ष। अच्छा, मेन फॉर्मूला क्या बताया था आपको, औसत बराबर होता है योगफल और अपॉन में क्या होता है संख्या, वहीं से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ए बी सी की औसत उम्र दी है, तो ए बी सी की पहले तीनों की टोटल उम्र निकाल लो, तो ए बी व सी की उम्र का योगफल, या उम्र कुछ ही बोल दो, उम्र का योगफल, योगफल कितना हो जाएगा औसत इंटू संख्या, औसत कितना दिया है उनकी उम्र का 25 वर्ष, हैं कितने ये पर्सन, संख्या कितनी हो जाएगी 1, 2, 3, तो यानी कि इनकी उम्र का योगफल कितना है आपका 75 वर्ष है, इन तीनों की उम्र का योगफल कितना है 75 वर्ष है। अच्छा, बात की जाए इनके अनुपात की, रेशियो की, रेशियो कितना दिया है 4:5:6 तीनों की उम्र का, तो इनका टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए 6:5:11:4:15, यानी 15 रेशियो की वैल्यू, रेशियो लिखो चाहे मैं लोगों, 15 की वैल्यू कितनी दी है टोटल, यानी इनका अनुपात का योगफल करो 15, उधर इनका योगफल कितना है 75, तो एक का मान कितना हो जाएगा 5, हमें पता नहीं किसकी है, ये किसका अनुपात था ए का बी का और सी का, पूछा किसका इसने, बी की उम्र का, तो बी का कितना रेशियो 5, तो बी की उम्र कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ से 5:5 यानी कि 25 वर्ष हो जाएगी, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगर पूछता हो कि ए की उम्र बताओ, तो ए की कितनी हो जाएगी 4×5=20, और पूछता कि सी की उम्र बताओ तो कितनी हो जाएगी 30 वर्ष हो जाएगी, इस तरीके से भी औसत उम्र पर क्वेश्चन पूछता है। चलिए औसत उम्र पर दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन बन जाता है, उसे भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए व बी की औसत उम्र कितनी है 24 वर्ष है, बी व सी की औसत उम्र कितनी है 25 वर्ष है, सी व ए की औसत उम्र कितनी है 27 वर्ष है, हमें बतानी है ए की उम्र या फिर ए का मतलब ए की हमें एज बतानी है, हो सकता है ए की उम्र पूछ ले, हो सकता है बी की उम्र पूछ ले, हो सकता है सी की उम्र पूछ ले, किसी की भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया आपके 25 वर्ष 26 वर्ष 27 और 28 वर्ष, चलिए देखते हैं फॉर्मूला आपका मेन वही काम करेगा, औसत बराबर योगफल यानी योग बटे संख्या। तो पहले ए व बी पर चलते हैं, ए व बी की औसत उम्र तो दी है 24 वर्ष, तो ए व बी की उम्र का योगफल निकाल लो पहले यहाँ पर, उम्र का योगफल, तो योग कैसे निकालोगे, औसत इंटू संख्या, तो औसत कितनी है 24 इंटू संख्या, ए व बी कितने पर्सन है ये 2, तो 24 × 2 यानी कितना हो जाएगा आपका ये 48 वर्ष हो जाएगा, यानी हमने किसका निकाल लिया ये ए प्लस बी तो निकाल लिया, ये ए प्लस बी का मान निकला है ये कितने वर्ष 48, डाल लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा चलिए अब किस में चलेंगे, बी व सी की औसत उम्र कितनी है 25 वर्ष, ऐसे यहाँ पे लिख लें, अब डायरेक्ट लिख दिया जाए यहाँ पर बी प्लस सी, यानी कहने का मतलब बी व सी की उम्र का योगफल, तो कितना आ जाएगा योगफल एवरेज, एवरेज कितना था 25 और इंटू
संख्या संख्या कितनी है दो, तो 25 का दो से गुणा करो कितना हो जाएगा ये 50, समीकरण नंबर दो। ऐसे देखिए सी व ए की औसत उम्र कितनी है 27 वर्ष, तो सी प्लस ए निकालना है यहाँ से, सी प्लस ए तो औसत उम्र कितनी है 27 और सी व ए पर्सन कितने है दो, तो 27 इंटू दो करोगे कितने हो जाएंगे आपके ये 54, समीकरण नंबर तीन। इन तीनों समीकरणों को एक बार जोड़ लें, कंबाइंड कर दें, जब तीनों समीकरणों को जोड़ने जाओगे तो देखिए इधर से कितना आएगा 2a, इधर से 2b, इधर से 2c, 2 कॉमन निकाल लो कितना बनेगा a प्लस बी प्लस सी। अच्छा इधर जोड़ लो ये कितने 8 और 4 12, 5 और 5 10 14 1 15, 2 का उधर भाग दे दीजिए तो देखिए इधर से a प्लस बी प्लस सी का मान निकल आएगा कितना आएगा ये आपका 76 आएगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू चाहिए a की उम्र की, a की उम्र की चाहिए तो b प्लस सी का मान लगा दो, यहाँ b प्लस सी का मान रख देंगे कितना 50 उधर घटा देंगे, तो a और b प्लस सी की वैल्यू कितनी आपकी 50 बराबर में 76, तो a बराबर कितना हो जाएगा 76 में से 50 घटाओ कितना आ जाएगा 26 वर्ष, यानी a की उम्र कितनी है आपकी 26 वर्ष है, बी ऑप्शन सही है। अगर वो पूछता आपको कि a की उम्र नहीं बी की उम्र बताओ, बी की बताओ तो किसका मान लगा देते हम ए व सी का, यानी ए प्लस सी का 54 लगा देते और 76 में से 54 घटा देते। वो बोलता है आपसे कि सी की उम्र बताओ, तो सी की उम्र पूछता तो किसका मान लगा देते हम ए प्लस बी का लगा देते 48 और घटा देते सी की उम्र निकल आते, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, वैसे देख लेते हैं, शोभा बेंगलुरु से मैसूर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो वापस लौटती है, यानी बेंगलुरु से मैसूर जाती है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड रहती है और जब वापस लौटती है तो कितनी रहती है उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा वापस लौटने में कितनी चाल रहती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो वापस लौटती है। उसकी संपूर्ण यात्रा में औसत गति क्या थी ये बतानी है, तो औसत गति का फॉर्मूला जानते हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन है आपके। औसत गति का फॉर्मूला होता है आपका 2xy/x+y, इसमें लगा दीजिए डायरेक्टली, वैसे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है फॉर्मूला नहीं याद हो। देखिए फॉर्मूला भी सिंपल होता है, 2 × x पहली चाल कितनी है 50 इंटू बाई दूसरी चाल कितनी है आपकी 60 अपॉन x प्लस वाई 50 और प्लस 60। तो देखिए अभी इसे ऐसा ही लिखा रहे दो, ये कितने हो जाएंगे आपके 110, 0 से 0 कैंसिल हो जाए आपका, ठीक है ना। देखिए 50 का 200 उड़ा गया कितना हो गया आपका 100 और 100 का 6 से करो कितना हो जाएगा 600 बटे 11 और 11 का यहाँ भाग दे लो अलग से क्योंकि सही बटे में आंसर दिया है ना, तो 11×55 कितने बचेंगे 5, 11×44 कितने बचेंगे 6, तो कैसे लिखोगे इसे 54 सही 6/11 किलोमीटर पर आवर, यानी इतनी इसकी औसत स्पीड रहेगी। चलिए देखते हैं, पहले एक क्वेश्चन और बता दिया जा रहा आपको, एक आपका औसत उम्र पे अभी क्वेश्चन कराए थे दो हमने, जैसे ए और बी की औसत उम्र इतनी है, बी और सी कितनी है, सी और ए की इतनी, ए की बताइए, ऐसे ही इसी का टाइप बनता है। आपका ये टेम्परेचर से संबंधित क्वेश्चन आता है, जैसे सोमवार मंगलवार का टेम्परेचर इतना है और मंगल बुध का इतना है, बृहस्पति शुक्र का इतना है, सेम टाइप होता है, इसलिए वो कराया नहीं है, करने का तरीका सेम रहता है। जहाँ ए और बी लिखा है वहाँ पर आपके जो सप्ताह के दिन लिखे होते हैं, पूछ लेता है सोमवार का टेम्परेचर बताइए, तो वही आपका तीनों को जोड़ो उसमें दो की वैल्यू लगाओ निकाल लो, यानी औसत उम्र पर जो हमने क्वेश्चन किए थे ए और बी के उसी टाइप का होता है, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन आप कर लेना। वैसे एक ही बात है, वो हमने औसत उम्र पर कर लिए, वहाँ पर केवल ए और बी की जगह क्या देगा आपका, वो दिनों के नाम देता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम भी आए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए तो देखते हैं फिर आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये बनता है आपका, ये आपका यूपी ट्रिपल की जो लोअर का एग्जाम हुआ था उसमें आपका ये पूछा गया क्वेश्चन है, आसान होता है वैसे कुछ नहीं है इसमें। देखिए 13 परिणामों का औसत कितना है 70 है, 13 परिणामों का औसत 70 है, प्रथम 7 परिणामों का, यानी 13 परिणाम है उनका औसत 70 है, प्रथम 7 जो शुरुआत के लिए ले लिए जाते हैं उनका औसत कितना है 65 है और जो अंतिम 7 का औसत कितना है आपका 75 है। शुरुआत के 7 का है 65 और अंतिम 7 का कितना 75 है, सातवां परिणाम बताना होता है हमें बीच वाला, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो उसे देखते हैं, देखिए करने का तरीका क्या, पहले तो 13 परिणामों का औसत है इससे योगफल निकाल लो, यहाँ से निकाल ले रहे हैं हम 13 परिणामों का योग, योग निकाल लेते हैं अभी पता चल जाएगा। तो 13 परिणामों का योग, योग का वही फॉर्मूला आपका जो मेन फॉर्मूला है औसत इंटू संख्या, तो औसत कितना है 70 इंटू संख्या कितनी रही है 13, तो जब गुणा करने जाओगे तो कितना हो जाएगा 910, 13 परिणामों का योग ये आ गया। अच्छा चलिए प्रथम 7 परिणामों का योग भी निकाल लो, प्रथम 7 परिणामों का योग, शुरुआत वाले के साथ का योग निकालो, वही औसत इंटू संख्या, तो औसत कितना है 65 इंटू संख्या कितनी रही 7, कितना आएगा 7×5 35, 3 और 7×42 103 45,
यानी 455। अच्छा अंतिम सात वालों का भी निकाल लो, अंतिम सात परिणामों का योग, प्रथम सात का निकाल लिया, अंतिम सात का निकाल लिया, इनका औसत कितना है 75 इंटू संख्या कितनी रही, ये भी तो सात ही है ना, तो 75 इंटू सात गुणा करो, 7 × 5 = 35 और 49 और 3 = 52 यानी 525 आया है आपका ये। अच्छा चलिए अब इसमें करना क्या है, हमें बतानी कौन सी संख्या थी, सातवां परिणाम कितना, तो एक काम करेंगे प्रथम सात और अंतिम सात जोड़ लो, कितने हुए 14, और 14 में से इस 13 वाले परिणाम को घटा दो तो जो सातवां बचेगा वही तो बचेगा, तो कहने का मतलब जो सातवां परिणाम होगा हमारा वो कितना होगा, एक काम करना है हमें प्रथम और अंतिम को ऐड करना है, प्रथम सात परिणामों को और अंतिम सात परिणामों को, कितना है वो 455 और प्लस का 525 शुरुआत के साथ और अंतिम के साथ, और उसमें से 13 वाले को घटा दो, माइनस 13 परिणामों को ये कितना था आपका 910, सातवां परिणाम निकल आएगा, तो 455 और 525 को जोड़िए तो 55 × 5 = 60 और 5 × 4 = 9 यानी 980 और माइनस का 910 इसमें से घटाइए तो कितना आएगा आपका ये 70, यानी जो आपका सातवां परिणाम है वो कौन सा होगा 70 होगा। ठीक है 13 का निकाल लो, शुरुआत के साथ का निकाल लो, अंतिम साथ का निकाल लो, शुरुआत और अंतिम वाले में 14 वाले में से 13 घटा दो, जो बचेगा वो कौन सा रह जाएगा तुम्हारा सातवां परिणाम। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, 25 छात्रों की एक क्लास में छात्रों के प्राप्तांकों का मध्यमान, मध्यमान वही होता है आपका एवरेज या फिर औसत, कितना था 43 था, 25 स्टूडेंट की क्लास थी उसमें उनके प्राप्तांकों का मध्यमान कितना था 43 था। अच्छा चलिए देखते हैं, जांच करने के बाद दो त्रुटियां, जो दोबारा उसमें जांच की गई तो उसमें दो एरर मिली, दो त्रुटियों का पता चला, जिनको शुद्ध करने के पश्चात उनको क्या कर लिया गया, करेक्शन कर लिया गया यानी उन्हें सही कर लिया गया, शुद्ध करने के बाद में एक छात्र के 35 अंक बढ़ गए, दोबारा रीचेक हुई कॉपी तो उसमें एक छात्र के 35 अंक बढ़ गए तथा एक स्टूडेंट के 10 अंक कम हो गए, 10 अंक उसके कम हो गए, तो हमें बताना कि शुद्ध मध्यमान ज्ञात करें, यानी कि हमारा जो करेक्ट जो आपका मीन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट माध्य क्या होगा वो हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं, पहले ये देख दिए 25 छात्रों की एक क्लास में छात्रों के प्राप्तों का मध्यमान था कितना 43 था, शुरुआत में 25 छात्र थे उनका मध्यमान है कितना, ये मध्यमान 43 है जब उसमें एरर है, जांच करने के बाद दो त्रुटियों का पता चला। अच्छा दो त्रुटियों का पता चलने के बाद क्या हुआ वो देख लीजिए, दो त्रुटियां पता चलने के बाद अंक में परिवर्तन या फिर अंक में वृद्धि कमी जो भी है वो देख लेते हैं, बाद में चलने के बाद अंक में परिवर्तन हुआ या वृद्धि हुई, वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है वो पता चल जाएगा, अभी वृद्धि लिख लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ है, शुद्ध करने के पश्चात एक के 35 अंक बढ़े तो 35 बढ़ गए तो ये प्लस के रहे होंगे, एक के 10 अंक घट गए तो वो माइनस के रहे होंगे, तो ऑल ओवर कितने का परिवर्तन हुआ 25 अंक इंक्रीज हुए यानी 25 अंक बढ़े हैं। अच्छा देखिए अब हमें तो निकालना क्या है, हमें मध्यमान निकालना है यानी एवरेज निकालना है, तो ये तो 25 अंक बढ़े सभी छात्रों के, तो मध्यमान यानी सभी छात्रों का एवरेज कितना बढ़ा, तो एवरेज देख लेते हैं, छात्र कितने थे, औसत वृद्धि कितनी हुई, ये तो संख्या में वृद्धि हुई है या फिर अंक में वृद्धि हुई है, ये किस में वृद्धि हुई है, अंक में वृद्धि हुई है, हमें क्योंकि औसत का क्वेश्चन करना है तो औसत वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि कितने की हुई 25 की, छात्र टोटल थे कितने 25 छात्र तो ही थे तो 25 का भाग दे देंगे, ये 25 लिखा हुआ तो कितना आएगा 1, यानी औसत वृद्धि कितने की हुई 1 अंक की आपकी औसत वृद्धि हुई, यानी 1 की औसत वृद्धि हुई है। हमें बताना था क्या था, शुद्ध मध्यमान बताना है, तो शुद्ध मध्यमान फिर हो कितना जाएगा, शुद्ध मध्यमान पहले कितना था 43, एक की क्या हो गई वृद्धि, तो शुद्ध कितना हो जाएगा आपका 44, यानी अब एवरेज कितना रहेगा आपका 44 रहेगा, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमने सभी टाइप के आपके क्वेश्चन देख लिए हैं, जो भी विभिन्न परीक्षा में पूछे गए खासकर के UPSC उनको भी हमने सभी क्वेश्चनों को कवर कर लिया, अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर हम एक प्रैक्टिस सीरीज लाएंगे जिसमें अलग से जो आपके विभिन्न परीक्षा में क्वेश्चन है केवल उनकी प्रैक्टिस कराएंगे, उनमें अगर क्वेश्चन बचे भी होंगे तो उन्हें हम सम्मिलित कर लेंगे। अब जो आपका UPSC PET के अनुसार अगर बात की जाए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका 1% चैप्टर बचा हुआ है, तो हम इसके बाद कौन सा चैप्टर लेंगे आपका
प्रश्न चैप्टर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, धन्यवाद।